गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी मौसम देख सकते हो अब बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। फाइनली मॉनसून आ चुका है और यहाँ पे है नूरी। नूरी आई थी छत पे ये सोच के कि बारिश हो रही होगी, बट उस टाइम पे जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो नूरी उस टाइम सो के ही उठी थी और मैं नीचे खाना बना रही थी, तो इसलिए मैं इसको छत पे नहीं ला पाई हूँ। तो अब मैं लेके आई हूँ, लेकिन अब बारिश थोड़ी थोड़ी बंद हो चुकी है, बट इतना रिलीफ है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। फाइनली गर्मी से थोड़ी हमें राहत मिली और नूरी को गुस्सा आ गया, अभी चली गई है नीचे क्योंकि मौसम वो बारिश जो है ख़त्म हो गई। तो गाइज़, वेदर चेकआउट करो, कितना प्यारा हो रहा है। सारे में काले काले बादल और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और बच्चे नीचे यहाँ पे खेल रहे हैं पार्क में। थोड़े दिनों का ही इन्जॉयमेंट बचा है बेचारों का, क्योंकि अब बस स्कूल खुलने ही वाले हैं। 2 से 3 दिन बचे हैं बस स्कूल खुलने के। तो देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, पानी तो भर ही गया है क्योंकि रात भर शायद बारिश आई है। ये देखो वहाँ पे पानी तो भर ही चुका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया है। फाइनली बस ये है कि गर्मी से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे रात को, कल दिन में, और यहाँ पे मंदिर साफ करा था, तो यहाँ पे ये सब फैला पड़ा है। अब इसको सही संगवाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, है ना नूर भी? इसका काम तो बस खेलने का ही है, खेलती ही रहती है। और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोल दिया, वरना मोस्ट प्रोबेबली मैं मतलब ये खोलती नहीं हूँ गेट, क्योंकि यहाँ से यार छिपकली वगैरह आ जाती है, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मतलब हम घर में हमारे सभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ये कहती है कि मुझे नहीं लगता, बट इसे भी बहुत लगता है। तो यहाँ से ना मतलब आ जाते हैं अंदर। मैंने कपड़ा वपड़ा सब लगा के रखती हूँ भाई, वो है कि डर लगता है बहुत ज़्यादा भगाने में भी, और अंदर आनी ही नहीं चाहिए, मैं तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ती कि अंदर आए। मैंने ये गेट इसलिए खोल दिया क्योंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है, नहीं तो बाहर से ही इतनी ज़्यादा हीट आती है, तो इसलिए मैं ये गेट बंद ही रखती हूँ। मतलब अपना रूम में एसी वगैरह चला के अपना आराम से बैठे रहते हैं, नहीं तो बाहर से इतनी ज़्यादा हीट आती है, कोई फ़ायदा ही नहीं है मतलब इसको खोलने का। तो आज तो खोलना बनता ही है क्योंकि मौसम इतना मस्त हो रहा है और थोड़ी हवा भी पास होती रहेगी, वेंटिलेशन होता रहेगा, वरना मैं बहुत ही कम खोलती हूँ। मतलब जो भी साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है तभी खोलती हूँ, नहीं तो ये बंद ही रहता है गेट। तो चलो, टाइम ज़्यादा बातें ज़्यादा ना करते हुए, टाइम भी 9:30 बज गए हैं, और अभी हम कर लेते हैं काम, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये लोग ऑफिस गए थे, तो हम एकदम से तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए किसी के जाते ही, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, झाड़ू पोछा या कुछ भी। तो इसलिए हम थोड़ा बैठ जाते हैं आधा एक घंटा, तो उसके बाद ही कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये लोग चले गए थे 9 बजे के करीब, तो अब 9:30 बज रहे हैं, अभी भी मैंने कुछ नहीं करा, बट अब हम करेंगे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे। पहले ये कपड़े वगैरह की तह लगा के रखेंगे, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाएंगे, फिर नहाएंगे और फिर अपना जो पूजा है वो करेंगे। तो चलो कर लेते हैं पहले सारे काम, उसके बाद आपको मिलते हैं, बाय। तो गाइस, हमारी पूजा वगैरह अच्छे से हो चुकी है, और आज पूजा थोड़ी सी ना लेट हो गई, हमें 12:15 बज गए पूजा करते करते, और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। ब्रेकफास्ट क्या, वो तो लंच ही हो गया एक तरीके से, चलो कोई बात नहीं। खैर, नूर भी और मैंने दोनों ने ही एक साथ ही ब्रेकफास्ट करा, उसने भी पूजा करने के बाद ही कुछ खाया। तो और एक्चुअली लेट इसलिए हो गया क्योंकि ना मैंने थोड़ा सा छत साफ़ करी थी, मतलब एक्चुअली छत ना बहुत दिनों से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, और मौसम ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस टाइम पे छत साफ़ करने की। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी, उसके बाद बंद हो गई थी, तो थोड़ा सही मौसम हो गया था कि इतना था कि आप छत पर काम कर सकते हो। तो फिर वो मैंने किया, और थोड़ा जो भी साफ़ करा जितना मुझसे हुआ उतना मैंने कर दिया साफ़। तो उसके बाद फिर नीचे आए, फिर नीचे अपना संगवाया जो भी है घर, फिर झाड़ू वगैरह लगाया। पोछा तो मैं नहीं थर्सडे को नहीं लगाती हूँ, अवॉइड करती हूँ पोछा थर्सडे को लगाना। तो झाड़ू लगाया, फिर नूरवी को नहलाया, उसको रेडी करा, फिर मैंने नहाया, मैं नहाई मतलब, फिर मैं रेडी हुई। फिर उसके बाद मंदिर जो है, आपने देखा होगा कि मैंने मंदिर साफ़ करा था, तो फिर मैंने मंदिर लगाया अच्छे से साफ़ कर करके,
साफ तो मतलब कर ही दिया था, बस थोड़ा सा अच्छे से लगाया मंदिर को, फिर कान्हा जी को निलाया, तो ऐसे करते करते ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, लेट हो गया आज बहुत ज़्यादा, नहीं तो यूजुअली पूजा जल्दी हो जाती है थर्सडे को तो। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मम्मी ने जो भी सारी चीज़ें, मम्मी पापा ने जो भी मेरे को गिफ्ट दिया है शादी के, वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़, ये जो साड़ी है ये मुझे मम्मी ने दी है मतलब शादी में, और ये एक ये परीबंद बोलते हैं इसको, पहले पहनते होंगे मतलब, तो मम्मी ने मतलब हम तीनों के लिए बनवाया, मेरे लिए, श्वेता के लिए, श्वेता मतलब मेरी भाभी जो हैं, और नीशू के लिए और मेरे लिए, तो हम तीनों के लिए बनवाया था, तो मेरे को मेरा मिल चुका है और उनको भी उनका मिल चुका है। तो इसको परीबंद बोलते हैं, मतलब एक ब्रेसलेट के जैसा होता है ये देखो, इसमें कुछ इस तरीके की ना ऐसे लगा हुआ है, तो ये है। और ये देखो, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। ये वाली जो पायल है मेरे को, ये मेरी नानी ने मेरे को दी थी, मतलब भात में जैसे बोलते हैं ना, तो भात में आया था ये पायल, और ये एक सेकेंड, और ये चांदी का जो है बहुत ही प्यारा सा लॉकेट, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और एक सोने की लौंग जैसे कि ये है, ठीक है। और एक मेरा ये वाला सूट आया था, और एक ये, ठीक है। उसके बाद ये मुझे मम्मी ने, और मतलब बिछुए पायल के साथ बिछुए जरूर देते हैं, तो ये वाले शायद बिछुए ये नानी के यहाँ से आए हैं मेरे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पायल मुझे मम्मी ने दिए है, और ये वाले बिछुए, इस ये चार जोड़ी थे, मतलब कि एक तो मैंने डाल लिए थे, और एक ये रे मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, एक मिनट, तो ये देखो, तो ये दोनों पायल मम्मी ने दिए, और ये बिछुए दिए हैं चार जोड़ी, मतलब सॉरी दो जोड़ी, चार जोड़ी कह रही हूँ, दो जोड़ी बिछुए, मतलब कि चार थे ना, तो इसलिए मैंने चार जोड़ी बोल दिया गलती से, तो दो जोड़ी बिछुए और दो जोड़ी ही पायल। उसके बाद ये पायल भी, ये पायल है नूरवी की, बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई वाली, ये आई है नानी की तरफ से नूरवी को भात में, ठीक है, ये सब। उसके बाद ये एक मेरे को मम्मी ने गोल्ड का एक क्या बोलते हैं इसको, चोकर टाइप जैसे होता है ना, वो बनवाया था मम्मी ने मेरे लिए, ठीक है, चिकपट्टी बोलते हैं या चोकर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये बहुत ही प्यारा सा है गोल्ड का, और इनका है, मम्मी ने इनके लिए गोल्ड का ये कड़ा बनवाया था, ये देखो, ठीक है, ये है ये, और बाकी ये साड़ी मेरी, और ये वाली जो पायल मैंने पहन रखी है, ये मेरे को मेरी मासियों ने दी है, मतलब दूध जलेबी का फंक्शन होता है ना, तो उसमें ये पायल और ये वाले बिछवे ये मेरे को मेरी मासियों ने दिए हैं, दोनों मासियों ने, और ये सूट, ये वाला ये मुझे मेरी मासी ने दिया है, दोनों मासियों ने दूध जलेबी पे, और नूरवी के कपड़े थे, नूरवी के पापा जी के कपड़े थे, निशु के कपड़े थे, मतलब सबके कपड़े थे, तो अभी मेरे को यार ये सब मिला, तो मैंने मतलब अपना अपना दिखा दिया। और अब आप सोचोगे कि इसमें तो इनका भी है, मेरा भी है, और नूरवी का कहाँ है, तो नूरवी को नूरवी के नानू और नानी ने दिया है गिफ्ट, एज अ गिफ्ट एक बेड, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो मैंने अंदर वाले छोटे वाले रूम में रखा हुआ है मंदिर में, मंदिर वाले रूम में मतलब। तो वैसे मम्मी इसको ना अलमीरा देने वाली थी, तो लेकिन मैंने कहा कि आप इससे बेटर है कि बेड दे दो, मम्मी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि आप बेड दे दो, क्योंकि ना थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा था सामान वगैरह रखने का, तो इसलिए, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो गाइज़, ये वाला बेड दिया था मम्मी और पापा ने इसको नूरवी को, ये अभी आया है दो चार दिन पहले, क्योंकि आपको अगर मेरी आप शुरू से वीडियो फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली मंदिर था और ये वाली अलमीरा थी, और यहाँ पे अब नूरवी का आ चुका है बेड, और ये नूरवी का रूम हो चुका है, और यहाँ पे ये बहुत इस बेड पे बड़ा ही इंजॉय करती है, और इस बेड में सारे नूरवी के कपड़े और नूरवी के जो भी टॉयज़ वगैरह हैं वो सब,
हाँ वो सब इसमें ही है। तो वैसे ना मम्मी और पापा ने हम लोग हम तीनों के शादी के कपड़े भी दिलवाए हैं, जो हम लोगों ने, मैंने लहंगा, इसने लहंगा, नूरवी ने लहंगा, और इन्होंने जो भी अपना शादी के लिए जो भी ड्रेस ली थी, कोट पैंट वगैरह जो भी लिया था, तो वो भी पापा और उन्होंने ही दिलाया है। मम्मी पापा की तरफ से ही था वो भी, और उसके बाद उन्होंने ये सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए हमें शादी के बाद, जब हम, मतलब मैं अपने घर पर आई, और मेरी सासू माँ के कपड़े, मेरी जिठानी के कपड़े, जेठ जी के कपड़े, देवर के कपड़े, और मेरी नंद के कपड़े, उनके हस्बैंड के कपड़े, जीजू के कपड़े, तो सारे सबके मम्मी ने कपड़े वगैरह भिजवाए थे, प्लस मतलब जो भी शगुन लिफाफे वगैरह वो भी भिजवाए थे। और तो ये सब दिया था मम्मी ने, मठरी लड्डू, और जो भी गिफ्ट वगैरह, मिठाई का डब्बा, ये सब मतलब मम्मी ने, मम्मी पापा ने भिजवाया था जब मैं आई थी शादी से घर पे, भाई की शादी के बाद। तो ये सब था। तो इसी यार काफ़ी दिनों से बनाने का सोच तो रही थी, बट ना टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी बनाने का। तो बस आपको मैंने जैसे कि बताया कि नूरवी के स्कूल की टेंशन हो रही थी मुझे, और कुछ नहीं है। और हाँ यार, एक बात और आपसे शेयर करनी थी। तो मैंने बोला था वीडियो में कि भी कुछ आपसे शेयर करना है, कि अपने घर के लोग ही मतलब कुछ कांड कर जाते हैं। तो कांड ये हुआ है गाइस, सब कुछ शादी अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छे से निबट गया, सब बहुत अच्छे से हुई शादी, बट लास्ट में ना जब सब लोग जा रहे थे, एंड टाइम पे क्या हुआ है हमारे घर से, पता नहीं मुझे बताना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट यार मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जब अपने ही बंदे कुछ ऐसा कर जाते हैं ना, तो ना हाँ आप मतलब क्या ही करोगे, क्योंकि अगर आप अपने ही बंदे, हमारे ही घर के ही बंदे अगर ऐसा करेंगे, तो बाहर वालों से हम क्या ही उम्मीद करेंगे, है ना। तो घर से जो है 60,000 रुपीज़ चोरी हो गए थे लास्ट टाइम पे, जब हम, जब सब लोग जा रहे थे, जब मम्मी सबको विदा कर रही थी, जो भी मम्मी ने, मतलब यार मम्मी पापा ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी शादी में, सभी जितने भी दीदी जीजू सब आए थे, सबका मान सम्मान किया अच्छे से, जितने भी दीदी आई थी सबको मम्मी ने जो है चांदी की पायल बनवाई थी, भाभियों के लिए चांदी की पायल बनवाई थी, बिछुए बनवाए थे, सब कुछ करा अपनी तरफ से, उनका एक ही लड़का है तो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही करा। लेकिन लोगों को, करने वालों को ये नहीं समझ आता कि हम घर के घर में ही अगर हम ऐसा सीन करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि किसने किया है, लेकिन किया अपने घर वालों ने ही है, घर वालों में से किसी ने ही है, क्योंकि अपने घर के बंदे ही थे उस टाइम पे, कोई भी बाहर का बंदा नहीं था, सब अपने घर के ही बंदे थे। तो गुस्सा मेरे को इस बात का आ रहा है कि आप मतलब ये नहीं सोच रहे कि आपका ही घर है वो, ठीक है, आप जहाँ पे शादी में आए हो वो आपका ही घर है, इसका नाम नहीं ले रही, लेकिन जिनको ना, जिनको लगेगा कि हाँ गलत लगेगा, तो उनको मेरी बात से सहमत होंगे, वो ये सोचेंगे कि हाँ नहीं यार लॉस हुआ है, उस चीज़ का दुख होगा उन्हें, लेकिन जिन्होंने करा होगा ना, तो उन्हें अपने आप ही चिढ़ मच जाएगी कि ऐसा क्यों बोला है उसने वीडियो में, या जो भी है, सब देखते हैं मेरा व्लॉग, सबको पता है, ठीक है। तो अगर जिन्हें नहीं पता होगा कि अगर ऐसा हो गया है, तो आपको आप वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि ऐसा हो गया है, घर में से इतने पैसे गुम हो चुके हैं, ठीक है। किसने किया है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया है ना भाई साहब, बहुत गलत किया है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आप घर के घर में ही ऐसा काम करोगे, तो बाहर वालों से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिन्हें भी मैंने बताया है, अगर अभी तक वैसे मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक दीदी को ही बताया, और उन्हें इतना दुख हो रहा है, क्योंकि भाई जिन्होंने, मतलब जिन्होंने नहीं करा ना, उनको दुख ही होगा, लेकिन जिन्होंने करा है ना, तो उन्हें ये लगेगा कि ये ऐसे कैसे बोल दिया, सबके लिए ऐसे 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 कैसे बोल दिया, अपने परिवार के लिए ऐसे कैसे बोल दिया। क्यों ना बोलूँ भाई, जब परिवार के ही बंदे ऐसे करेंगे, तो बाहर वाले तो से क्या ही उम्मीद करेंगे, ठीक है। तो और उन्होंने एक बार भी किसी से पूछा भी नहीं, क्यों, सिर्फ इसीलिए नहीं पूछा ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे, कि कल को कोई ये ना सोचे कि यार मतलब हम क्यों करेंगे, या आप हमसे क्यों ऐसे बोल रहे हो, क्या आप हम पे डाउट कर रहे हो, तब भी उन्होंने नहीं पूछा। उनको, वो अपना दुख फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा इस चीज़ का, कि 60,000 रुपये कुछ नहीं होती क्या यार, आप लोग चुराने से पहले सोचते भी नहीं हो कि हम कहाँ चुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर के घर में ही चुरा लिया आपने, ठीक है। और ऊपर से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब आपने क्या ही कर दिया, किसी बंदे का नुकसान कर दिया, वो भी उनका जो
मतलब घर में जिनके शादी है, एक एक पैसे के लिए, एक एक पैसा कितना कीमती होता है आपको तो। लेकिन बस मैं ये बोलूँगी कि अच्छे काम में तो वो नहीं लगेंगे आपके, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे या भली लगे, अच्छे काम में तो आपके वो पैसे नहीं जाएंगे, ठीक है? कैसे ना कैसे करके वो निकल ही जाएंगे आपके पैसे, ठीक है? और जिन्हें, मैं अभी भी यही बात बोलूँगी कि जिन्हें जेन्युइनली बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए, तो वो बंदे अलग ही पता चल जाएगा, और जिन्होंने किया है ना, उन्हें अपने आप ही चिढ़ लग जाएगी कि ये इन्होंने ये ऐसे कैसे बोल रही है, ठीक है? और भाई मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप के तुम लोगों ने पैसे चुरा लिए, जो भी है, जिसने भी चुराया है मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि किसने चुराया, लेकिन हाँ बस इतना पता है कि घर के बंदे ने ही चुराए हैं, सीधी बात है, ठीक है? तो आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो आपने किया है, बाकी क्या ही कर सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। उन्होंने लेकिन फिर भी यही सोचा कि किसी को बुरा ना लग जाए, उसके लिए उन्होंने पूछा तक नहीं। मैंने तो उनको कितना कहा था कि एक बार ही पूछ लो, कि पूछने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर किसी के पास गलती से चले गए होंगे, कोई अच्छा इंसान होगा, किसी के पास गलती से चले गए होंगे, तो वो बोल देगा कि हाँ भाई गलती से आ गए, लेकिन जिसने जिसकी इंटेंशन ही चुराने की थी, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है? एनीवेज चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे पैसों में काम में तो आपके लगेंगे नहीं वो पैसे, कैसे ना कैसे निकल ही जाएंगे वो पैसे आपके। मैं तो यही बोलूँगी सीधी बात, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और जो भी काम करा है जिसने भी, बहुत ही ज़्यादा गलत करा है, तो बाकी भगवान देख रहा है, पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तो चलो गाइज कोई बात नहीं, लेकिन ना अभी आपको पता है क्या, मम्मी पापा जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो वो मुझे तब भी बोलेंगे कि तूने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भाई उनके लिए ना परिवार बहुत मैटर करता है। पर अब उनको शायद थोड़ी सी ठोकर लग के समझ आया होगा कि आपके परिवार के लोगों में से ही किसी एक ने ऐसा काम करा है, तो उनको थोड़ा दिमाग में आई होगी चीज़ें। अब पता नहीं बाकी मैं क्या ही बोलूं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मम्मी पापा मेरे को कॉल करके ज़रूर बोलेंगे कि तूने ये क्यों किया, लेकिन ये मुझे करना था, मुझे ये किसी ने बोला नहीं है करने के लिए, लेकिन मैंने यही सोचा था कि ये नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं पूछ रहे हैं, या फिर ये नहीं मतलब कोई स्टैंड ले रहे हैं ना, तो मैं ज़रूर लूँगी, चाहे कुछ हो ना हो, अब तो पैसे गए तो गए, जिसने ले लिए तो ले लिए, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, किसी सबको पता तो चलेगा कि भाई ऐसा हो गया है, और हमें पता चल गया। और गाइस पता क्या, जब गुम हुए ना गाइस पैसे, हमें मतलब इतना ज़्यादा दुख हुआ। पता है क्या, आप सोच रहे होगे कि कहाँ थे, कैसे गुम हो गए, एक्चुअली मैं घर पर थी नहीं, ना मैं थी, ना नीशू थी, ना ही भाभियाँ थी जो मुंबई से आए थे, वो लोग, वो वाली भाभियाँ जो दोनों भाभियाँ हैं मेरी, वो लोग सब सो रहे थे, क्योंकि शादी के नेक्स्ट डे ही, मतलब कि 12 तारीख को जब बारात विदा होके आए, मतलब हम भाभी को लेकर आए हैं, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से थक गए थे, सारे रिचुअल्स करके, कंगना वंगना जो भी है वो सब खेल के ना, उसके बाद सब सब लोग सोने चले गए थे, ठीक है? मैं भी सोने चली गई थी, और वो दोनों भाभियाँ भी सोने चली गई थी, सब थक जाते हैं यार। अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे कौन कौन गए कौन कौन नहीं गए, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसी दौरान ये सारा कांड हुआ है, जो भी हुआ है ये उसी टाइम ये सारी चीज़ें हुई हैं। और क्योंकि मैं होती तो मम्मी मेरे हाथ में ही सब कुछ दे देती, तो मैं अपना उनको निकाल निकाल के सब कुछ दे देती। उन्होंने उनसे बस इतनी गलती हो गई कि वो जो पूरा बैग था थैले का, पैसों का, वो मम्मी के पूरा पैसों का थैला ना हाथ में ही था। उन्होंने थोड़े उनको थोड़े बहुत निकालने चाहिए थे, जो बात है। मैं यहाँ पे मम्मी को भी बोलूँगी, ये बात मम्मी की भी गलती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी मतलब उन्हीं जिन्होंने चुराया उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्हें तो मौका ही चाहिए था ना गाइस। तो मम्मी की ये गलती मैं बोलूँगी थोड़ा सा, क्योंकि यार एक्चुअली क्या होता है ना, वो मतलब टेंशन में हो जाती है, बहुत हाइपर हो जाती है, और सब एक साथ जाते हैं ना, तो मम्मी को ये लगता है कि जिन जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ ले रखा है देने के लिए, तो कोई कोई भी लड़की या कोई भी मेहमान जो है, कोई भी गेस्ट है, वो रहना जाए, उनको कुछ देने से हम लोग चूक ना जाए, ठीक है? जो भी हमने ले रखा है उनके लिए, बनवाया है, कोई कपड़े लत्ते हैं या फिर कोई भी ज्वेलरी है, ठीक है, जो भी है उनकी तरफ से, उनको ये लगता है कि कोई बच्चा रहना जाए, ठीक है?
तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा हाइपर हो गई, तो मतलब कि कंफ्यूज हो गई। ऊपर से हम मैं भी नहीं थी साथ में मम्मी के, तो ये था उनको कि उन्होंने पूरा वो बैग ही पूरा का पूरा निकाल लिया। ठीक है, अब बस वही मौका उस बंदे को, जो भी है उन्होंने, बस इतना गुस्सा आ रहा है ना, ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अपने फैमिली के बंदों ने ही ऐसा कर दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आ रहा है गाइस। और ये नहीं है कि मतलब मैं ब्लैंक हूँ, और जब भी मैं ये बात याद करती हूँ ना, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को। ठीक है, तो अपने ही, तो उस टाइम ही ये सारा सीन हुआ है। तो बस, और वो थैला मम्मी ने, तो मम्मी हो गई थी थोड़ी सी कंफ्यूज कि क्या है कौन है। मम्मी एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है चीजों में, अब तो यार एज भी हो गई है, तो आप ये भी सोच सकते हो। तो थोड़ा सा हाइपर हो जाती है वो किसी भी चीज़ को लेके, या थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। और जब सारे एक साथ मेहमान जाने के लिए रेडी हो, तो उनको ये लगता है कि मैं ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ, कोई भूल ना जाऊँ। जब इतना सब कुछ तैयारी कर रखे, तो कुछ रह ना जाए। ठीक है, सब इतने इतनी दूर से आए हैं टाइम निकाल के, तो कोई मेहमान रह ना जाए, किसी को देने से छूट ना जाए कोई भी। तो ये चीज़ उनसे हुई है। वो जो पूरा थैला था पैसों का, वो मम्मी ने पूरा हाथ में पड़ा हुआ था, और वो उन्होंने कहाँ रख दी, वो उन्होंने जहाँ रखा था वो उन्हें वहाँ पे वो मिला नहीं, वो मिला उन्हें कहीं और उसमें से पूरे के पूरे पैसे गायब। ठीक है, ये सीन हुआ है पूरा। और जब मुझे पता चला है ना, हम लोगों ने पहले किसी को ब्लेम नहीं करा, पहले हमने घर में ढूंढा कि क्या पता घर में इधर उधर हो रख दिया हो, सब कुछ हो गया हो, क्या पता कहीं मम्मी से छूट गया हो गलती से, मतलब इधर उधर मम्मी रख के भूल गई हो। पूरा एक एक घर छानबीन अच्छे से करी है, हम लोग सब थे, सारी बहनें, सारी दोनों भाभियाँ लग गई हैं ढूंढने में। ठीक है, दोनों भैया मेरे मुंबई वाले, और हम लोग भी सारे, सब ढूंढने में लग गए, मम्मी पापा सब ढूंढने लगे, एक एक कोना हमने देख डाला। पैसे नहीं थे, ठीक है, नहीं थे पैसे, और लॉकर की चाबियां तो मेरे पास ही थी। मैंने हर एक एक चीज निकाल निकाल के देखी है, आप ये बोलोगे दो दो तीन तीन बार मैंने निकाल निकाल के देखी है चीजें, उसमें पैसे नहीं थे, सब गए गाइस, सब चले गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बट अब वही बात है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया ने तो फ्री फंड के खेत चुग लिए, यही बोलूंगी मैं तो। चलो यार बस, अब मैं थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही हूँ, तो चलो अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।